गई भैंस पानी में। और ये नीर वाटर फॉल है। हेलो एवरीवन, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऋषिकेश। और ऋषिकेश में मैं आपको ना व्यू दिखाता हूँ हमारे रूम से। मजा आ रहा है, बहुत मजा, आनंद आ रहा है, एकदम शांति है। अभी यहीं से राफ्टिंग होगी सारी। 7:34 और ऐसा कुछ है। यहाँ खींचेंगे ना थोड़ी बढ़िया बढ़िया फोटोज। देखो जी, गई भैंस पानी में। पीछे आ रही राफ्ट। 8:26 हो गए और अब हम वहां से इधर आ गए क्योंकि वहां धूप आ गई थी, छांव में के बैठ गए। और देखो अभी भी ना राम झूला पे कोई चल के जा रहा है, जिसमें कि इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। फिर भी ये तो मांग नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। और यहाँ पे हो रहा है ब्रेकफास्ट। मम्मी क्या खा रही हो बताना जरा, क्या क्या है? ये क्या? ये क्या है? और यहाँ से राफ्टिंग देख रहे हैं हम। तो जी आ गई अपनी कॉफी, ये मेरी ब्लैक और ये डैडी की। और मम्मी कॉफी नहीं पी रही। कॉफी पियोगी? ना, दूंगे मैं नहीं दूंगा अपनी, डैडी भी नहीं देंगे। मैं तो वैसे भी नहीं पीऊंगी। यहाँ से ये व्यू, उधर रैपिड है। तो जी अभी टाइम हो रहा है 11:20 और हमने चेकआउट कर दिया। हम रुके थे यहाँ पे शिव गंगा योगा एंड मेडिटेशन स्कूल और अब जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ इधर। तो जी अभी टाइम हो रहा है 11:37 और हम लोग निकल गए। पार्किंग से गाड़ी निकाल ली। तो जी अभी हम खड़े हैं कहीं पे, मुझे पता नहीं जगह कौन सी है। और यहाँ से सारी राफ्ट वगैरह जा रही है। ये एक टेव मैगी टी पॉइंट है, यहाँ पे कहीं पे खड़े हैं और यहाँ से सारी राफ्ट वगैरह जा रही है। अभी हम डिसाइड करेंगे कहाँ जाएंगे, अभी कुछ पता नहीं है। यहाँ बता रहे एक नीर वाटरफॉल है पास में, तो वहाँ पे जाके देखते हैं। तो जी 1:23 और ये रास्ता जा रहा है नीर वाटरफॉल के लिए। अभी हम नीर वाटरफॉल के लिए हमने यहाँ से राइट लिया था, ऊपर चढ़ गए। अब नीर वाटरफॉल पे जा रहा है। थोड़ा जाम है अभी भी, आज ट्यूसडे है फिर भी। तो जी अभी 1:39 और ये नीर वाटरफॉल का रास्ता है और इधर टिकट मिलेगी यहाँ पे। ये
अभी डैडी टिकट लेने गए हैं यहाँ पे। देख रहे गाइस क्या जाम लग रहा है। रास्ते में पीछे इधर कर ले, इधर कर ले, इधर रास्ते में रखे गाड़ियाँ, तो इस वजह से सारा जाम लग रहा है। रोड है छोटा, तो जी 222 और अपन ने यहाँ गाड़ी अपनी खड़ी कर दी। और कैम्प्टी फॉल ये नीर वाटरफॉल इधर है और उधर से आइए, वहाँ पूरा जाम है इस वजह से गाड़ियाँ नहीं आ रही, मगर अपन लोग खींच के लिया है किसी तरीके से। और यहाँ कुछ स्टॉल्स है और वहाँ है झरना, उधर से ऊपर वो जीने से जाके, अब चलते हैं फिर देखते हैं। तो जी ये देखो ऐसे कुछ है और यहाँ से रास्ता है ऊपर, थोड़े जीने चढ़ के जाना पड़ेगा, बाकी चढ़ के देखते हैं। वो जो टिकट नीचे कटवाई थी ना, वो यहाँ पे चेक कर रहे हैं टिकट। और यहाँ पे एक मैगी पॉइंट है, ये फॉल है और आगे भी है। हेलो, चलो। तो जी यहाँ से अपन आए हैं और ये हाल है, बहुत भीड़ है। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत चढ़ाई करके आए हैं, बढ़िया सारी थकान कर रखी है, बहुत भीड़ बहुत है मगर। तो जी अभी 241 और ये नीर वाटरफॉल है। तो जी अभी 256 और अपन यहाँ वाटरफॉल में नहा के आ गए और अभी यहाँ पे मैगी खा रहे हैं। तो जी मैगी अपनी रेडी है और यही वाटरफॉल है। भीड़ और ज़्यादा आई जा रही है बन रही है। ये दुकान है, इन भैया ने बनाई है मैगी, बढ़िया बनाई है वैसे। तो जी अभी 327 और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अभी नील वाटरफॉल से निकल रहे हैं। ये ना नीर वाटरफॉल से अब जा रहे हैं, अब देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। तो जी ये है नीर वाटरफॉल और अभी भी भीड़ है, अभी टाइम हो रहा है 3:28 और अपन लोग निकल गए यहाँ से। तो जी अभी 4:31 और यहाँ पेट्रोल फुल करा रहे हैं, यूपीआई नहीं होगा। तो जी ये हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, मतलब यहाँ से हेमकुंड साहिब की यात्रा जाती है, अभी हम वहीं हैं और उसी के पास ये पेट्रोल पंप है और इधर से 2 किलोमीटर है त्रिवेणी घाट, अभी हम त्रिवेणी घाट जा रहे हैं, हमारा अभी डिसाइड हुआ। ये यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो अपन त्रिवेणी घाट पहुँच जाएंगे। त्रिवेणी घाट की ओर जा रहे हैं हम। फाइव इलेवन और गाड़ी लगा दी पार्किंग पे, ये त्रिवेणी घाट है। इस एकादशी के दिन अपना पूजन किया है, व्रत किया है, गंगा मैया उसको सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण करे। बोलो भीम से मैं मिल लोग ना भगवान को वो कर रखा है भाई, मैं गुरुद्वारे गई हूँ, उज्जैन गई हूँ, वहाँ पे भी सिस्टम नहीं है, वहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं है। नहीं मैंने मोनोपोली ले रखी है भगवान की, आपने लेनी है भाई, जो पहले आया वो टेन आगे बैठेगा। तुम गरीब हो, तुम्हारे अंदर क्षमता, तुम गरीब हो, इसे बहस क्या कर रहे हो?
तुम्हें बार बार कह रहे खरीदे ना खरीदे, तुम्हें बात बोल रहे हो तो तुम्हारी बात करवा दी। 6:40 और 7:15 पे होगी आरती स्टार्ट। अभी यहाँ पे पूजा हो रही है।
पत्ते वाली चाट। तो जी 8:31 और हम हैं अभी यहाँ पे, कोई राजस्थानी भोजनालय है, किसी ने रेकमेंड किया था, बहुत बढ़िया है और भीड़ देख के तो लग रहा है बढ़िया है। बाकी खाना ऑर्डर कर दिया, जैसा अच्छा लगेगा वैसा। तो जी 9:01 और डिनर डन, खाना बहुत बढ़िया है यहाँ पे, रिकमेंडेड है। क्राउड ऐसा है बढ़िया, साफ सफाई एकदम बढ़िया, नीट एंड क्लीन। ये मेन रोड पे ही है सामने अंकार ज्वेलर्स, ये ऋषिकेश वाला ही रोड है। तो जी 9:27 और आ गए हम अपने होटल पे। ये आज यहाँ रुके हैं, होटल पैराडाइज गंगा बीकानेर। हमारा है सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे रूम नंबर 2। ये रूम है, एसी खोल के गए थे हम। फटाफट से इसका वॉशरूम और दिखा देता हूँ, फिर अपन सोएंगे। ये है वॉशरूम। तो जी 9:30, अब आ गए रूम में और अब आ रही नींद, क्योंकि सुबह से थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, आज बहुत ज़्यादा घूम लिए हम। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, और अगर आपको व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, ख़राब लगा हो या बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दो, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमें क्या इम्प्रूव करना है और क्या नहीं करना है, तो फिर वही करेंगे। अभी के लिए बाय।